हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, आपको याद होगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू के समर्थन में जो मार्च निकला था, उसमें एक लड़की के हाथ में फ्री कश्मीर पोस्टर था। उस फ्री कश्मीर पोस्टर को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। और अब दिल्ली के जाने माने सेंट स्टीफन्स कॉलेज में भी कुछ इसी तरीके का विवाद हुआ है। पूरी रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई में जेएनयू हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर वाले पोस्टर पर अभी विवाद थमा भी नहीं है कि एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्टर में कश्मीर को आजाद करने की मांग लिखी है। दावा है कि ये पोस्टर दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में हुए प्रदर्शन के दौरान का है। पोस्टर लिए खड़ी लड़की भी इसी कॉलेज की बताई जा रही है। अब इस वायरल तस्वीर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास जांच के लिए भेजा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तस्वीर में नजर आ रही बिल्डिंग तो सेंट स्टीफन्स की ही है, लेकिन वहां प्रदर्शन के दौरान ये पोस्टर इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं है। तीन दिन पहले भी जेएनयू हिंसा को लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर महक मिर्जा नाम की लड़की भी फ्री कश्मीर वाले पोस्टर के साथ दिखी थी, जिसको लेकर केस भी दर्ज किया गया। हालांकि बाद में पोस्टर को लेकर महक की सफाई भी आई, लेकिन उसकी एक गलती ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाने का मौका दे दिया। और इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है। जनता के बीच में विधायकों की एंट्री फिर से होने लगी है। बीजेपी विधायक ने भी चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो उनसे निभाए नहीं गए, इसीलिए विकास के बदले जनता को चुप रहने की विधायक रविंद्र यादव सलाह दे रहे हैं। देखो यार, देखो हमसे काम कराना है तो प्यार से काम करो, हम तुमसे प्यार से वोट मांगे थे। ये है बिहार के झाझा से बीजेपी के विधायक रविंद्र यादव। जनता ने इन्हें वोट दिया था ये सोचकर कि विधायक बनेंगे तो इलाके का विकास करेंगे, लेकिन सुनिए, जब लोगों ने सड़क बनवाने की मांग की तो इनका क्या जवाब था। हम लोग का रोड अभी तक नहीं बना। तो बहुत जगह का रोड नहीं बना, आपका भी नहीं बना, बनेगा। चलो, ऐसा तो हम विश्वकर्मा महाराज ने कि हम जीत के गए तो सबके रोड बनाइए देंगे। गाँव वाले जब सड़क की मांग पर अड़ गए तो विधायक जी भी अंग्रेजी पर उतर आए। तुम्हारी उम्र क्या और मेरी उम्र क्या है? सर ठीक है, आपका तुम्हारे बाप की उम्र क्या है? होशो बात करो, हथा जोड़ के बोलियो की वोट पाती है। धामरा जी माए को दिन के लिए तो हाँ गए, घर तो गए, तो हम नहीं प्रयास कर लियो की कर लियो नहीं कि चापा कल हम गलवाइये देवे, चापा कल मांगे हम सबके घर हम बनवाइये देवे, घर मांग रहे सबके हम रोड बनवाइये देवे, संभव है चलेंगे अब नेक्स्ट टाइम अफसर को लेके चलेंगे। आओ, हिंदुस्तान की राजनीति का यही कड़वा सच है। नेता वोट मांगते वक्त तो जनता को सिर आंखों पर बिठाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो लोगों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता।